हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? लास्ट लेक्चर में जब हम लोग डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 तक के, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तक के हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। जो हमारा सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन था, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला, वो जो लास्ट क्वेश्चन, वो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे आखिरी क्वेश्चन था, 18वें नंबर का। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक जैसे ही रहेगा, उसमें डिफरेंस नहीं आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही कॉपी करना है। इसे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसमें का मैंने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया पहला, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हम लोग डेरिवेटिव में वाई लेते थे, यहां भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वाई पकड़ेंगे। तो ये कैसे बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का पावर 4। अब देखो ध्यान से, अब ये सोच के चलोगे कि अंदर वाला टर्म x है और x का क्यूब है, तो अंदर वाला टर्म अगर x है तो x का क्यूब क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। ये अंदर वाला टर्म फिर से क्या है, x है, तो इसका क्या हो जाएगा, x का पावर 4, तो इसका क्या हो जाएगा, 4x का क्यूब, यही होगा। तो सिमिलरली अगर हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, d / dx ऑफ क्या हो जाएगा, y, फिर d / dx ऑफ, हम डिफरेंशिएशन इसको भी देंगे, हम डिफरेंशिएशन इसको भी देंगे, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन होने की वजह से दोनों टर्म का डेरिवेटिव देंगे, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस d / dx ऑफ x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का पावर 4 आ गया। अब हम तो क्या करेंगे इसके बाद, देखो जैसे मैंने बोला ये पूरे टर्म को x पकड़ेंगे तो वो x का क्यूब हो जाएगा, अगर ये x का क्यूब हो गया इसका मतलब क्या हो गया, x क्यूब का क्या होगा, 3, इसको हमने x पकड़ा था, सो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और ये पावर 3 माइनस 1 होगा, 3 माइनस 1 कितना होता है, 2। फिर हमने जब जिसको x पकड़े थे उसको डिफरेंशिएट करो, सो d / dx ऑफ क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। फिर यहां से चालू किया हमने प्लस, अब ये सोच के चलो कि ये x का क्या है, पावर 4 है, तो x का पावर 4 का क्या होगा, आएगा आपका 4x का क्यूब, तो x क्या है हमारे पास, x ये वाला टर्म है, तो x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का क्यूब, और फिर उसके बाद जिसको हमने x पकड़ा था उसको डिफरेंशिएट, सो d / dx ऑफ क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 लाइक दैट। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, इसको तो कुछ कर नहीं सकते, तो उसको ऐसे रखेंगे, 3 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का स्क्वायर इनटू इसका क्या है, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, अब 4x का क्या हो जाएगा 4, प्लस 4 की जगह 4 रखा हमने यहां पे, इसका क्या आने वाला है, जैसे कि वैसे x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का क्यूब, और इसका क्या है, बताओ, डायरेक्टली x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर और 5x का क्या होगा माइनस 5, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ये हो गया आपका dy / dx, तो ये आपका आंसर है। चलो आप अपने नोटबुक में नोट करो इसको, चलो अभी सेकंड क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। यहाँ पे दो टर्म दिया हुआ है, पहला टर्म और दूसरा टर्म, तो बीच में प्लस का साइन होता था, मैं कौन सा रूल लगा था, एडिशन रूल, बट यहाँ पे बीच में क्या का साइन है, इनटू का साइन है। अब इनटू के साइन होने की वजह से क्या करेंगे हम लोग, हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे, तो प्रोडक्ट लॉ कैसा होता है, पहले आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे ही मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो गया, डीवाई बाय डीएक्स, और इधर में क्या आएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, बताओ मुझे क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 4x का पावर 5 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर, बस ये क्या दिया हुआ है मुझे, यहाँ पे दो अलग अलग टर्म दिए होते हैं, मैं कौन सा लॉ लगाऊंगा, प्रोडक्ट लॉ, क्या कहता है प्रोडक्ट लॉ, पहले को छोड़ो दूसरे को पीटो, बोले तो x क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4x का पावर 5 डी बाय डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको छोड़ देंगे, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर
फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4x का पावर 1 प्लस 4x का पावर 5 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, पहले को छोड़ा दूसरे को पीटो, दूसरे को छोड़ो पहले को पीटो। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे 1 प्लस 4x का पावर क्या हो गया 5। अब इसका क्या पहुंच होता हूं 3 का 0, x का 1, x स्क्वायर का 2x आया प्लस 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या आएगा, सोचोगे x का पावर 5 है तो क्या हो जाएगा, पहले 5 1 प्लस 4x का पावर क्या हो जाएगा 4, और फिर अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, तो d / dx अब क्या हो जाएगा 1 प्लस 4x आया। अब हम क्या करेंगे आगे, 1 प्लस 4x का पावर 5, अब ये क्या हो गया 1 माइनस 2x प्लस 3 प्लस x माइनस, ये 5 को सामने रख लो तो 5 आ गया, 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 4x का पावर 4, और इसका क्या हो जाएगा बताओ मुझे, सिर्फ 4 आएगा। क्यों 4 आएगा, कि जो उनका होता है 0 और 4x का कितना होता है 4, तो कितना हो गया 4। तो फाइनली आंसर क्या लिखेंगे dy / dx, फिर पहले ये वाले टर्म को लिखेंगे क्या आएगा 1 प्लस 4x का पावर 5 1 माइनस 2x, और इस टर्म में क्या होगा 5 4 जा 20, सो 20 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 4x का पावर 4 एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, चलो नोट करो इसको। चलो आज का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, आज का थर्ड क्वेश्चन है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर क्या आएगा dy / dx इज इक्वल्स टू क्या आएगा d / dx ऑफ x अपॉन रूट में क्या आएगा 7 माइनस 3x। अब बताओ यहाँ पे कौन सा रूट लगने वाला है, यहाँ पे न्यूमरेटर है और यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होने की वजह से यहाँ पे क्वेश्चन रूट लगेगा, और क्या कहता है हमारा क्वेश्चन रूट d / dx ऑफ पहला अपॉन दूसरा, तो रूल क्या कहता है दूसरे को छोड़ो पहले को पीट दो, माइनस दूसरे को छोड़ दो, सॉरी पहले को छोड़ दो और दूसरे को क्या करो कि पीट दो, और नीचे में क्या आएगा दूसरे वाले टर्म का होल स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है ना, तो इसके हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या बोला है दूसरे को छोड़ दो, तो दूसरा कौन सा है रूट में 7 माइनस 3x, और फिर डी बाय डी एक्स ऑफ किसका आएगा x माइनस, अब क्या बोला हमें, अब हमें बोला क्या है पहले को छोड़ दो, x को छोड़ दिया और d / dx सब किस कर लिया, d / dx करेंगे रूट में 7 माइनस 3x, और नीचे भी क्या चल रहा है, नीचे भी चल रहा है रूट में 7 माइनस 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ इसको क्या लिखेंगे, रूट में 7 माइनस 3x ये इनटू भी क्या हो जाएगा 1 माइनस x, और इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन तो रूट में क्या होगा 7 माइनस 3x, क्यों लिखा मैंने इसे क्योंकि इसको रूट एक्स पकड़ेंगे और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d / dx अब क्या होगा 7 माइनस 3x, और अब नीचे में क्या चल रहा है, नीचे में देखो ये वाला और इसका रूट कर गया तो क्या बचेगा, बचेगा सिर्फ बचेगा आपका 7 माइनस 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या होगा बताओ मुझे, dy / dx इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया, देखो पहले इसको लिख रहा हूं मैं, बाकी सब बात में लिखेंगे, पहले इसका क्या हो जाएगा x अपॉन रूट में 7 माइनस 3x माइनस, अगर ये इससे इंटू हो गए तो क्या हो जाएगा x अपॉन 2 रूट में 7 माइनस 3x इंटू, और इसका डिफरेंशिएशन क्या है 7 का हो जाएगा 0 और 3x का क्या हो जाएगा माइनस 3, तो क्या हो गया माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, और डिवाइड में क्या चल रहा होगा मुझे, डिवाइड में चल रहा 7 माइनस 3x का होल स्क्वायर, 7 माइनस 3x का होल स्क्वायर। अब क्या रहेगा बताओ मुझे, डिवाइड बाय dx इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 3x माइनस, ये अगर ये इसके साथ आया प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 बाय 2 x अपॉन रूट में क्या हो गया 7 माइनस 3x, और होल में क्या रहेगा 7 माइनस 3x का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा देखो, क्योंकि देखो हमने ये वाला स्क्वायर रूट से कट कर दिया है, तो यहाँ पे ये नहीं रहेगा,
और यहाँ पे भी ये नहीं रहने वाला है, तो रहेगा क्या कुछ इस तरह से। ठीक है, तो नोट कर पाएंगे आप लोग, चलो नोट करो इसको। चलो आज का फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, और आज का फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, आज का फोर्थ क्वेश्चन कहता है आप लोगों एक्स क्यूब माइनस फाइव का पावर फाइव एक्स क्यूब प्लस थ्री का पावर थ्री। हम पहले देखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो क्या हो जाएगा डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ, क्या हो गया एक्स क्यूब माइनस फाइव का पावर फाइव, नीचे क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस थ्री का पावर क्या हो जाएगा थ्री। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, अब हम करेंगे ऐसा कि ये ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म, ये भी क्या होगा क्वेश्चन रूल लगेगा, और क्वेश्चन रूल क्या कहता है पहले दूसरे को लिखो, तो क्या हो जाएगा दूसरा वाला एक्स क्यूब प्लस थ्री और फिर डी बाय डी एक्स ऑफ किसका होगा पहला वाला यानी एक्स क्यूब माइनस फाइव का पावर फाइव माइनस क्या आएगा उसके बाद किसको छोड़ देंगे अपन बताओ मुझे, पहले दूसरे को छोड़ो पहले को छोड़ दो, क्या छोड़ेंगे एक्स क्यूब माइनस फाइव का पावर फाइव और डी बाय डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा क्या रहेगा सेकंड वाला टर्म रहेगा, तो सेकंड वाला टर्म क्या है एक्स क्यूब प्लस थ्री का पावर थ्री इस टाइप का रहेगा। ठीक है, अब बताओ हम लोग क्या करेंगे और नीचे में क्या रहेगा बताओ मुझे, नीचे में क्या होता है सेकंड वाला टर्म कैसे करते, सेकंड वाला टर्म क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस थ्री का क्यूब और उसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा उसका भी स्क्वायर। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग बताओ मुझे, इसको हम जैसे के वैसे लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस थ्री का पावर थ्री, हम इसको क्या समझेंगे एक्स का पावर क्या समझेंगे फाइव, तो एक्स के पावर फाइव का क्या होता है फाइव एक्स क्यूब माइनस फाइव का पावर फोर आ गया, और फिर अंदर वाले टर्म को क्या करेंगे डिफरेंशिएट, सो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा वो आ जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस फाइव, इधर का टर्म सॉल्व हो गया, फिर माइनस अब ये वाला टर्म हो गया। इस टर्म के लिए क्या करेंगे पहले लिखेंगे हम लोग एक्स क्यूब माइनस फाइव का पावर फाइव और इसका क्या हो जाएगा बताओ मुझे, ये मतलब एक्स का क्यूब है तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री का पावर क्या हो जाएगा टू, और उसके बाद क्या होगा ये एक्स ये वाला टर्म एक्स था तो अब इसको फिर से क्या करेंगे डिफरेंस, तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस थ्री, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा इसके डिनोमिनेटर में क्या होना है इसको इंटू कर देगा क्या हो जाएगा लॉ ऑफ एनालिसिस के हिसाब से, तो बन जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस थ्री का पावर क्या हो जाएगा सिक्स। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा इसके बाद देखो, ये रहेगा आपका डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स, एक एक स्टेप देखो अच्छे से, पहले ये वाला टर्म फिर ये वाला टर्म फिर इसका डेरिवेटिव, तो पहले ये वाला टर्म क्या है एक्स क्यूब प्लस थ्री का होल क्यूब इंटू फाइव, फिर क्या हो गया एक्स टू द पावर थ्री माइनस फाइव का पावर फोर, अब मैं डायरेक्टली बताओ इसका आंसर क्या आएगा फाइव का तो जीरो होगा और एक्स क्यूब का क्या होता है थ्री एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे थ्री एक्स स्क्वायर, ये माइनस के पहले वाले टर्म लिख लिया मैंने और माइनस के बाद वाले टर्म लिखना शुरू करूँ, पहले क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स क्यूब माइनस फाइव का पावर क्या हो जाएगा फाइव इंटू ये थ्री रहेगा और फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस थ्री का स्क्वायर आया, और इसका क्या नंबर है इसका आएगा थ्री एक्स स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा बताओ मुझे, नीचे में ये वाला टर्म का पावर सिक्स, तो क्या लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस थ्री का पावर क्या हो जाएगा सिक्स, सो डीवाई बाय डी एक्स कितना रहेगा बताओ मुझे, ये थ्री फाइव का फिफ्टीन हो जाएगा, तो इसको बाहर सामने लिख लो फिफ्टीन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस थ्री का होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस फाइव का पावर फोर, इसको क्या लिखेंगे थ्री थ्री जा नाइन थ्री थ्री जा नाइन, तो क्या बचेगा बताओ मुझे नाइन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस फाइव का पावर फाइव और एक्स क्यूब प्लस थ्री का पावर टू, और डिवाइडेड में क्या रहेगा डिवाइडेड में रहेगा आपका एक्स क्यूब प्लस थ्री का पावर सिक्स एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। चलो अपने नोटबुक नोटबुक में नोट करो। चलो अगले आज का पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, क्या कहते हैं पांचवें नंबर का क्वेश्चन वाई इज इक्वल्स टू
क्वेश्चन मार्क करके लिखा है, हम डायरेक्ट लिखेंगे डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो क्या आएगा, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स। पहले क्या लिखेंगे, ये वाला टर्म 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स उसका स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स उसका क्यूब, ये लिया मैंने। अब क्या होगा सोचो, यहाँ पे कितने टर्म है, दो टर्म है, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो पहले को छोड़ दो, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स अब क्या होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है शायद क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूँ, सॉरी क्यूब है, क्यूब है, तो क्या होगा, हाँ क्यूब, फिर क्या होगा प्लस, उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड वाला लेंगे, तो सेकंड वाला क्या करेंगे, पहले 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब, और फिर क्या करेंगे, डी बाय डी एक्स अब किस का लेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, बना लिया मैंने। अब मुझे बताओ एक चीज, अब क्या होगा आगे, ये तो जैसे कि वैसे रहने वाला है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसको करेंगे हम लोग, बताओ मुझे, पहले ये x का क्यूब है, तो x का क्यूब पे क्या होगा, 3 1 प्लस cos स्क्वायर x उसका स्क्वायर आ गया, और फिर ये वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, तो d / dx अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos स्क्वायर x आया। बाद में प्लस इसको जैसे कि वैसे छोड़ दो, 1 प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, देखो ये तो टर्म जैसे के वैसे रहने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 3, इसका क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स उसका स्क्वायर। अब इसका क्या क्या बताऊं, मुझे शॉर्ट में बताऊं, 1 का हो जाएगा 0, 1 का हो जाएगा 0। अब आप लोग याद कर लो कि d by dx of sin square x जो होता है वो कितना होता है, ये x square का क्या होता है, 2x होता है, अरे हाँ है ना, ये x square का 2x होता है, तो इसका क्या होगा, 2 sin x, और d by dx of क्या हो जाएगा, sin x आएगा कि नहीं, so 2 sin x cos x आएगा, इसका मतलब 2 sin 2x आया क्या, तो कहीं भी साइन स्क्वायर एक्स रहेगा तो साइन 2x बनेगा, वैसे ही सेम कहीं पे अगर कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स का क्या बनेगा, पहले ये x का स्क्वायर तो क्या 2 cos x, और फिर d / dx ऑफ क्या हो जाएगा, cos x, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 cos x * माइनस ऑफ क्या हो गया, sin x, सामने लिखा क्या होगा, माइनस 2 sin x cos x आया नहीं, अब इतने का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस 2 माइनस sin 2x, ठीक है, तो हो गया sin 2x, तो जब कोई भी cos आया तो माइनस sin 2x, अगर sin आया तो प्लस sin 2x, तो याद रखो कि इस चीज को बार 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 सॉल्व करने का नहीं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ये चीज। अब इसका क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा आपका 0, और cos स्क्वायर का क्या होगा, माइनस sin 2x, प्लस इसका क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos स्क्वायर x का क्यूब इंटू 2 1 प्लस sin स्क्वायर x इंटू 1 का हो जाएगा 0, और इसका क्या हो जाएगा, sin 2x। अभी सॉल्व करके दिखा रहे हैं, तो इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, इसका फाइनल आंसर देखो क्या रहेगा, पहले हम इसको लिखेंगे, क्योंकि इंटू में पूरे टर्म है तो माइनस आएगा और 3 को चले जाएगा, तो माइनस 3 साइन 2x, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट बस दर्शाओ, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर x, फिर क्या बचा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, ये तो ऑलरेडी हमने ले लिया था, उधर में भी वैसे करेंगे, प्लस पहले देखेंगे 2 और ये वाला साइन 2x, तो क्या हो जाएगा, 2 sin 2x, फिर उसके बाद बचा ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, तो क्या बचेगा, 1 plus cos square x उसका होल क्यूब, 1 plus sin, sorry
एक्स डी हो गया आपका डीवाई बाय डी एक्स, तो यहाँ का डीवाई बाय डी एक्स, तो ये आपका आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो कर पाएंगे, चलो सॉल्व करो जल्दी से। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो ऐसे लिखिए हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ, क्या हो जाएगा रूट में कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ रूट एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बताओ, इनके बीच में वाई का साइन है प्लस का साइन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल नहीं लगेगा या फिर प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे एडिशन रूल लगेगा, तो क्या आएगा डी बाय डी एक्स ऑफ रूट में कॉस एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ रूट में कॉस ऑफ रूट एक्स आया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे वन अपॉन टू रूट में कॉस एक्स और फिर डी बाय डी एक्स ऑफ क्या होगा कॉस एक्स, ठीक है। क्यों, इसको हम रूट एक्स पकड़ेंगे तो रूट एक्स का क्या होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, और रूट एक्स के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको ऐसे लिखेंगे, इसका क्या आने वाला है इसका वन अपॉन क्या आएगा टू रूट में कॉस रूट एक्स और फिर अंदर वाले का का डेरिवेटिव, सो डी बाय डी एक्स ऑफ क्या होगा कॉस रूट एक्स आया। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन टू रूट में कॉस एक्स प्लस इसका क्या हो जाएगा वन अपॉन टू रूट में कॉस एक्स रूट एक्स, और इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स और फिर डी बाय डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा रूट एक्स। सोचो के लिया मैंने, तो जो हमको कॉस एक्स का डेरिवेटिव पता है कॉस रूट एक्स का नहीं पता, तो जो भी एक्स की जगह था उसको मैं डबल से डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या हो गया तो मेरा फाइनल आंसर क्या रहेगा, मेरा फाइनल आंसर रहेगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू पहले ये वाला टर्म लिखूंगा माइनस साइन एक्स अपॉन टू रूट में कॉस एक्स, समझे। आगे देखो ये चले जा रहे इधर साइड में, तो क्या बन जाएगा माइनस साइन रूट एक्स और ये क्या हो गया टू, मेरे को बताओ इसका क्या होगा वन अपॉन टू रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा टू टू फोर रूट एक्स और फिर बाद में क्या बचेगा ये वाला टर्म बचेगा, तो क्या हो जाएगा रूट में कॉस रूट एक्स। ये क्वेश्चन मैंने एक या दो पीरियड पहले मैंने होमवर्क दिया था, अपने अपने कॉपी में चेक करो कि क्या आपने करेक्ट किया है या फिर रॉन्ग किया, सेजल का ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था तो मैंने उसको वापस से बताया था, एक बार चेक करो। चलो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ सेक थ्री एक्स प्लस टैन थ्री एक्स, कैसे सॉल्व करेंगे पहले इसको बताओ मुझे, पहले हम क्या करेंगे जब हम इनको डिफरेंशिएट करते लॉग एक्स का क्या होता है वन अपॉन एक्स, तो पहली बार में पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, बाद में डी वाई पर डी एक्स सब क्या आएगा ये वाला टर्म, अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं आपको अच्छे से आइडिया होगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप लोगों को ट्राई करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लिखेंगे वाई इज इक्वल टू वन प्लस साइन, दिख रहा है क्या, अब ये जो दिख रहा है एक्स डिग्री इसका मतलब होता है पाई बाय 180 एक्स, ऐसा मतलब होता है इसका, और इसका क्या होता है वन माइनस साइन पाई बाय 180 एक्स आया। अब सोचो साइन 3x रहता तो कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग, पहले साइन एक्स का निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, तो कर पाएंगे, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आज इसमें क्वेश्चन लगाओ और सॉल्व करो, और अगर नहीं समझा तो कमेंट्स में लिखो, मैं कल के लेक्चर में सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। तो चलो खुद से ट्राई करो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी आपके लिए होमवर्क है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, थोड़ा तुम भी तो करो, बैठ के लॉकडाउन में करोगे क्या, कुछ काम तो है नहीं तुम्हारे पास, सिर्फ गेम खेलते हो और सिर्फ आधे घंटे वीडियो देखते हो, वो भी पूरे वीडियो ठीक से देखते नहीं, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, बाद में तुमको पता नहीं रहता कि क्या है वीडियो में क्या नहीं है। अब ये देखो y cos cot और इसको log में दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे इसमें सबट्रैक्शन कराएंगे, तो डिवाइड बाय x इसको भी लगेगा डिवाइड बाय x इसको भी लगेगा, तो cot का क्या होता है cosec स्क्वायर है और ये पूरा टर्म रहेगा, फिर ये पूरे टर्म का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इस पूरे टर्म का निकाला रहा सो d / dx अब क्या हो जाएगा log x / 2, इसमें तुम क्वेश्चन मार्क मत लगाना ना लायक हो, इसमें से 1 / 2 बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा d / dx अब क्या आएगा log x, समझे क्या, तो रियलिटी क्या हो जाएगा 1 / x हो जाएगा,
और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो सेम कई पाओगे, अब सब बता ही दूंगा तो बचेगा क्या, ठीक है। तो आपको एक होमवर्क करना है और कल बताना है मुझे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताओ इसमें कौन सा ला लगेगा, एडिशन रूल, प्रोडक्ट रूल, नहीं क्वेश्चन रूल लगेगा, ठीक है, क्यों, कि न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, समझे। अब क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो क्या आएगा, dy by dx is equals to d by dx अब क्या हो जाएगा, तो मुझे पूरा टर्म रहेगा, यानी e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x, नीचे में क्या हो जाएगा, e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x आया। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे उसको पहले इसको छोड़ेंगे, पहले इसको छोड़ देंगे, सो e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x, और d by dx अब किसका लिखेंगे, इसका लिखेंगे, तो क्या आएगा, e का पावर 2x माइनस e का पावर 2x, माइनस में फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड वाले टर्म को छोड़ देंगे, फर्स्ट टर्म को छोड़ देंगे, सेकंड वाले टर्म का डेरिवेटिव करेंगे, क्या हो जाएगा, e का पावर 2x e का पावर माइनस 2x, और फिर क्या आएगा, d by dx ऑफ क्या हो जाएगा, d by dx ऑफ e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x, और डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में आ जाएगा आपका e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर, आया। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, कहीं में भी शॉर्टकट मतलब की रुकूंगा नहीं, अभी बहुत सारे एग्जांपल करवा दिए तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या हो जाएगा, e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x, आया। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसका क्या है, डायरेक्ट बताओ मुझे, इसका आएगा 2 e का पावर 2x, सोचो कैसे, e का पावर 2x का तो वही आएगा ना, और ये 2x का क्या आएगा, 2 आएगा, माइनस दिख रहा, फिर लिखा मैंने माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e का पावर माइनस 2x, और ये माइनस 2 का क्या है, माइनस 2x का क्या आएगा, माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, ये इस टाइप का हो जाएगा, हुआ। उसके बाद इस साइड देखो, अभी माइनस इसको तो कुछ करना नहीं है, e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x, आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका क्या आने वाला है, 2 e का पावर 2x, और इसका क्या आएगा, माइनस 2 e का पावर 2x, आया। और नीचे में क्या चल रहा है, नीचे में चल रहा है आपका ये वाला टर्म का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर, आया क्या, आया कि नहीं, अगर आपको नहीं समझ रहा तो बोलो ये वाला टर्म में सॉल्व करा के दे देता, समझेगा। देखो कैसे क्या है, d by dx of e का पावर 2x, तो क्या हो जाएगा, e का पावर 2x का क्या होगा, e का पावर 2x, और d by dx of क्या होगा, 2x, तो क्या हो जाएगा, e का पावर 2x, और इसका क्या होगा, 2, तो सामने लिखा था क्या होगा, 2 e का पावर 2x, माइनस रहेगा तो माइनस आ जाएगा, समझेगा। आप सॉल्व कर सकते हो इस चीज को, अभी देखो आगे कैसे सॉल्व होगा ये। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, यहां तक तो हो गया, अब इसके बाद यहां से 2 कॉमन निकालना, और यहां से भी 2 कॉमन निकालना, समझेगा। वैसे कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो डायरेक्टली, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ये, तो हम लिखेंगे आगे, हम यहां पे लिखेंगे पहले डिवाइड बाय dx, देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, आगे पहले ये वाले टर्म को इससे इंटू करूंगा, और फिर ये वाले टर्म को इससे इंटू करूंगा, फिर ये वाले टर्म को इससे, और ये वाले टर्म को इससे, तो क्या हो जाएगा, जब ये वाले टर्म को इससे इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको इससे इंटू करूंगा तो हो जाएगा 2 e का पावर 4x, e का पावर 4x, ठीक है। और उसके बाद देखो ध्यान से, इसका इंटू अगर इसके साथ करूंगा, समझेगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको ऐसे भी कर सकता हूं, देखो इसका इंटू अगर इससे करूंगा तो क्या हो जाएगा, e का पावर 2x इंटू 2 e का पावर माइनस 2x, सही बात है। उसके बाद क्या करेंगे, इस टर्म का इंटू इससे, तो क्या हो जाएगा, प्लस e का पावर 2x इंटू e का पावर 2x इंटू e का पावर 2 e का पावर माइनस 2x। अब बताओ ये तो समझा आपको, वैसे अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
तो क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ मुझे। अगर आपको ये भी नहीं समझ रहा तो मेरे पास एक और तरीका है। कौन सा? देखो ध्यान से, मैं उसको अरेंज करके फिर से एक बार बताता हूँ। देखो यहां से अगर मैं टू कॉमा निकालूंगा, यहां से मेरे टू कॉमा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बोलो, क्या आएगा? अगर टू कॉमा निकाल लिया तो ये मुझे मैं टू और टू जैसे निकालूंगा तो ये वाला और ये वाला टर्म सेम हो जाएगा, क्योंकि टू जब निकाल दूंगा, सोचो ना अगर ये टू और ये टू अगर बाहर निकाल दिया तो ये तो सेम टर्म हो गया और टू निकाल दिया, दोनों कैसे दिखेंगे एक जैसे, तो कैसे दिखेगा वो? e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये बचेगा ना। सेम यहां से भी अगर मैंने टू निकाल दिया तो क्या बचेगा? माइनस टू e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x उसका होल स्क्वायर, यही बचेगा। और नीचे में क्या रहेगा? नीचे में रहेगा आपका e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब यहां से अगर टू कॉमन निकाल लिया आपने एक बार फिर से डिवाइड बाय dx तो क्या आएगा? टू कॉमन निकाला तो बचा क्या? बचा आपका e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर बचा। और नीचे में क्या चल रहा? नीचे में आपको वही चल रहा क्या? e का पावर 2x माइनस e का पावर प्लस e का पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर आया। अब देखो तुमसे आगे क्या करेंगे, हम करेंगे dy by dx is equals to, अगर मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया कौन सा a square minus b square तो क्या होता है a plus b और a minus b, ठीक है? यानी एक बार दोनों को ऐड कर देंगे, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखना मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, टू ले लिया मैंने, पहले मुझे दोनों को ऐड करना है, क्या होगा e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x, बाद में इन आपको जोड़ना है तो क्या बनेगा? प्लस e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x आया। एक बार जोड़ दिया मैंने, एक ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, ये हो गया आपका a प्लस b। अब क्या करना है मुझे a माइनस b, तो a माइनस b में क्या होगा देखो, पहले लिखूंगा a e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x, और जब ये टर्म को माइनस करेंगे तो इसकी साइन बदल जाएगी, तो जो e का पावर 2x पर हमने प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस e का पावर 2x, और ये वाले टर्म को क्या हो जाएगा प्लस e का पावर माइनस 2x, और नीचे तो जैसे चल रहा वैसे ही करेंगे, क्या हो जाएगा e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है? अभी भी एक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब आएगा डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू 2। एक चीज बताओ, यहां से ये माइनस वाला टर्म कैंसिल हुआ, क्यों? इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस, तो ये टर्म दो बार दिख रहा है क्या? आया ना, तो क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे ये दो बार टर्म लिखेंगे 2 टाइम e का पावर 2x आया इनटू में। अब यहां पे देखो ये इसके सामने माइनस है, देखो ध्यान से e का पावर 2x e का पावर 2x एक जगह प्लस है एक जगह माइनस, तो ये कैंसिल होगा, तो ये क्या बचेगा, क्या बचेगा? ये दोनों सेम है, क्या है 2 टाइम e का पावर माइनस 2x बचा। और नीचे भी क्या चल रहा है? नीचे में चल रहा आपका वही पहले की तरह e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x उसका होल स्क्वायर आया क्या? अब बताओ मुझे क्या आ रहा है, डीवाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू ए टू टू जो फोर, फोर टू जो कितना होगा 8 आया 8, और उसके बाद देखो इन दोनों के बीच में इंटू रहेगा e का पावर 2x इंटू e का पावर माइनस 2x, नीचे में क्या चल रहा है e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अभी भी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब आगे कैसे होगा ये? अब आगे होगा ये dy by dx equals to, एक देखो दोनों के बीच में अगर इनटू का साइन है तो लॉ ऑफ इनर्शिया लगेगा, तो ऊपर वाले दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 e का पावर 2x माइनस e का पावर 2x, और नीचे में क्या होगा? नीचे में आ रहा e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर आया। सो क्या आएगा dy by dx equals to ये e का पावर 2x e का पावर क्या हो जाएगा 8 e का पावर 0 नीचे में e का पावर क्या हो जाएगा बताओ मुझे, ये आएगा e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? ये हो जाएगा 1, फिर किसी भी टर्म का पावर 0 है 1, सो आंसर क्या आया dy by dx equals to
8 अपॉन e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर एंड दिस गिव योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो एक बार अच्छे से देखो वीडियो को, दो बार तीन बार रिवाइंड करके देखो, जो स्टेप नहीं समझ रहा मुझे कल के पीरियड में पूछना, और इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में तीन बार सॉल्व भी करना ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलो इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये वाला आपके लिए होमवर्क है। जैसा मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल सेम टू सेम इसको भी सॉल्व करना आप लोग अपने कॉपी में। ठीक है, आप सॉल्व करना और मुझे कल के दिन बताना कि जमा के नहीं जमा, और आप मुझे इसको वीडियो को व्हाट्सएप पे भेजना भी इस क्वेश्चन को सॉल्व।